हेलो एवरीवन, सो असी कर रहे सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिहदे विच असी नेक्स्ट टॉपिक करांगे इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दे विच की डिफरेंस हैगा। देखो जिहड़ा इंडक्टिव इफेक्ट है बहुत ज्यादा ईजी आ, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट भी बहुत ईजी आ। आपां बहुत ईजी वे नाल मैं तुहानूं समझा देवांगी, आराम नाल समझ आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की हैगा, इट इज द परमानेंट इफेक्ट विच इनवॉल्व स्लाइट ड्रिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड सिगमा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह गल ध्यान रखो, यह है परमानेंट इफेक्ट, यानी कि इफेक्ट पै गया, एक बार पै गया परमानेंट है। परमानेंट इफेक्ट है जिद हा की है, ड्रिफ्ट के होंगी है, मतलब कि खिंचे जाते हैं सिगमा इलेक्ट्रॉन के वाल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तुम बना के भी दिखाई ना, लेट्स से दिस इज द कार्बन चेन एंड दिस इज द क्लोरीन। यू नो क्लोरीन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बहुत सारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिन्हों जे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम केड़े होंगे ने, पीरियोडिक टेबल देखिया, पीरियोडिक टेबल दे विच जो सीधे जाते हो ना लास्ट के है ग्रुप 17 हैलोजन, दे आर द वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। वट इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? द अबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जेडे आप शेयर किए ना किसी इलेक्ट्रॉन अपने वाल खिंचन की पावर। फॉर एग्जाम्पल दो जने है ए ते बी, दो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया, बट बी करप्टड हो गया, इन्हें अपने वाल सारे इलेक्ट्रॉन खिंच ले क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ। ठीक है, सो बी ने सारे इलेक्ट्रॉन की कर ले अपने वाल खिंच ले, सो यदा मतलब बी की है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किया ना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खिंच लेना अपने वाल, सो जो जो खिंच लेगा हो गया नैगेटिव। देखा खिंच लिया वो तो शेयर किए तो हो गया नैगेटिव, जिद को ले बन गया पॉजिटिव। क्लियर? सो हुण जिहड़ा इंडक्टिव इफेक्ट समझाने की आ, परमानेंट इफेक्ट आ पहली गल, ते इहदे विच की हुंदा है ड्रिफ्टिंग ऑफ शेयर्ड सिगमा इलेक्ट्रॉन। सिगमा इलेक्ट्रॉन ये वाले ये अपने वालों खिंच लैंदा चेन तो खिंचे जाणगे। ठीक है, चल ज्यादा इतों खिंचोगे, सो अप टू ए थर्ड कार्बन तक हुंदा, फोर्थ कार्बन ते ना जाके नेगलिजिबल हो जाता है, मतलब बहुत घट जाता है। इतने फोर्थ कार्बन से बहुत एक ही लगाओ तुसी यारो, बहुत घट जाएगा, यानी जब तुहानू पुछे अप टू फोर्थ कार्बन तक हुंदा है, उस तो ज्यादा नहीं हुंदा है। इतों इदा करदा करदा इलेक्ट्रॉन जो अपने वालों खिंच लेगा, जो खिंच लेगा वह पार्शियल नैगेटिव चार्ज आएगा, पिछे की रह जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इन्हों से आ गया पॉजिटिव चार्ज, इतने की आ गया नैगेटिव चार्ज। सो पहले इन्नी कहानी क्लीयर है तुहानू कि इहदे विच हुंदा की है परमानेंट इफेक्ट आ, की हुंदी स्लाइट ड्रिफ्टिंग हो जाती है, ड्रिफ्ट मतलब झुका हो जाता, खिच हो जाते हैं शेयर्ड सिगमा इलेक्ट्रॉन, जो शेयर किए थे ना वही सिगमा इलेक्ट्रॉन खिंच लैंदा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, इन बोलते आप इंडक्टिव इफेक्ट, पहले इन डिस्कस कर लिए। दूसरा है ऑपरेट हों सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड केड़े होंगे जिन्हें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हों, अनसैचुरेटेड होंगे जिन्हें डबल हो ट्रिपल हो। ठीक है, सो सिंगल बॉन्ड वाले ऑपरेट हों, भी ध्यान रखना। एंड कंटेन एटलीस्ट वन पोलर बॉन्ड, वट इज द पोलर बॉन्ड? दिस इज जो पार्शल एक बॉन्ड जो एक पास पॉजिटिव एक पास नैगेटिव हो, दैट इज पोलर बॉन्ड। इतने है ना जो पोलर बॉन्ड है ता ही वाला इफेक्ट ऑपरेट होना, अदरवाइज ये इफेक्ट नहीं तुम देखने मिलना। क्लियर? सो ये तो तुम क्लीयर हैगा आ कि पोलर बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट इट डज नॉट नीड एनी आउटसाइड रीएजेंट। ये तुम कंपेयर करके दस, तो मैं समझावगी ना तुम्हें पता चल जाएगा, इन बारहों किसी रीएजेंट की लड़ नहीं है, बस चेन च एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है इनफ पा, इन बारहों नहीं कोई अटैक करवाने की लड़, बस चेन चाहिए कोई। इट इनवॉल्व अ पार्शियल सैपरेशन ऑफ चार्ज विदाउट फॉर्मेशन ऑफ आयन। तुम आप देख लो पार्शियल सैपरेशन होगी चार्ज की, पार्शियल आ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नैगेटिव, आयन थोड़ा ना बने। आयन कदों बनते जिदा NaCl आ, उन्होंने तोड़ोगे तो बनता है Na पॉजिटिव एक आयन Cl नैगेटिव, कटायन आयन बन जाते ना, सो ये होंगे आयन की फॉर्मेशन होनी। बट इदा तो कुछ नहीं, तो बस पार्शियल सैपरेशन हुई चार्ज, थोड़ा चार्ज इधर हो गया थोड़ा इधर हो गया, यही चीज हुई ना। सो ये पार्शियल सैपरेशन होती चार्ज की, ना कि ये आयन फॉर्मेशन नहीं होंगी है। एनी गल क्लीयर आ? एक गल हो रही बारे तुम दस दिए कि दो तरह का होंगे ये आई पॉजिटिव एंड आई नैगेटिव। ठीक है, वह देख लो हम नैगेटिव कदों हुंदा जो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, लाइक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन NO2 तो सब तो ज्यादा हुंदा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, CN का उस तो घट, COH का उस तो घट, COOR का उस तो घट, ये सारी सीरीज दसी हुई है जी। बट जे कोई हो जाए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ठीक है, डोनेटिंग मतलब जो देंगे वह हों प्लस आई इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जो देखो CH3 लगा, इन दे दिंदा इलेक्ट्रॉन, ये लैन की बजाय करता इलेक्ट्रॉन दे दिंदा, सो देखो एरो सी दे वल नूं आ, इहनूं दे रहा क्लोरीन, उतों खिंच रहा, जिहड़ा खिंच रहा उह नैगेटिव आ, जिहड़ा दे रहा उह पॉजिटिव आ, जिहड़ा खिंचूगा खिंच तो ही करूगा है ना, किसी तो खिंची जाऊगा कोई चीज लै ली उहदे धक्के नाल, उह हो गया नैगेटिव, जिहड़े दिंदे आ उह की हुंदे पॉजिटिव। सो इदां इहनूं याद रख लैणा। क्लीयर? अगे असीं शिफ्ट करदे आ इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट की आ, इह पहली गल दा टैंपरेरी इफेक्ट आ, परमानेंट नहीं हैगा। दूसरा इह च ट्रांसफर हुंदा
पाई इलेक्ट्रॉन का, ये कहता हूँ सिगमा पाई, तुम मैं समझाई ना पिछले, सिगमा होएगा तो उस तो बाद अगला की होंगे पाई होंगे डबल बॉन्ड, यानी इतों पता लग गया यह डबल या ट्रिपल बॉन्ड ऑपरेट होएगा यानी अनसैचुरेटेड ना, इतों ही क्लीयर हो गया। क्योंकि मैंने दस्या से ना पाई कदों होंगे, जब डबल च होंगे पहला सिगमा होंगे अगला पाई होंगे, यदि ट्रिपल च होंगे पहला सिगमा अगले दो पाई। सो बॉन्ड मे बी पोलर नॉन पोलर, इस चीज़ में कोई फर्क नहीं पैंदा, इदा होंगे। देखो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट देखो इतने जिदा हैगा आ सी डबल बॉन्ड ओ, ए डबल बॉन्ड हैगा ना, सो इतों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, अटैकिंग रीएजेंट आ गया बारो सी एन। हूँ जिन्हें इलेक्ट्रॉन देते उत्ते की आ जाता पार्शियल नैगेटिव चार्ज, दूसरे ते की आ गया पॉजिटिव चार्ज, नैगेटिव कितने जाके अटैक करेगा पॉजिटिव, तो सूए सी एन इतने जुड़ गया। क्लीयर? सो ये सानू आउटसाइड तो रीएजेंट की लोड होंगी है, ता ही ऑपरेट होंगे बारो ऑपरेट लोड होंगी है सानू, ठीक है। इट इनवॉल्व कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ चार्ज, कंप्लीट ट्रांसफर जिद पार्शियल सी ना इच इदा नहीं है, इच कंप्लीट ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम द रीएजेंट टू सबस्ट्रेट एंड वाइस वर्सा, एंड रिजल्ट ऑफ दिस इच आयन बन जाते हैं, ये जी आयन फॉर्मेशन आ हो जाती है। क्लीयर? सो यह डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, यदि आप देखेंगे जो डिफरेंस देखेंगे बिटवीन रेजोनेंस जिन्होंने आप मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं इंडक्टिव। पहले रेजोनेंस देख लो की होंगे, मान लो एक मॉलीक्यूल उन्होंने असाइन की गई टू या मोर स्ट्रक्चर, तो नन ऑफ विच इज कैपेबल ऑफ डिस्क्राइबिंग द ऑल नॉन प्रॉपर्टी, यानी एक दो स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज नहीं दस पाँदियाँ, दैन असी एक्चुअल एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जी इंटरमीडिएट होंगी, यानी रेजोनेंस हाइब्रिड होंगी, उन्होंने सारिया स्ट्रक्चर का उन्होंने बोलते आप की बोलते आप रेजोनेंस, उस फिनोमिना की बोलते हैं रेजोनेंस, यानी जो एक मॉलीक्यूल दी एक दो स्ट्रक्चर पूरी प्रॉपर्टीज नहीं दस सकते, दैन उत एक एक्चुअल स्ट्रक्चर होंगी जिन्होंने आप इंटरमीडिएट या रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर का जो प्रॉपर्टीज अगे डिस्क्राइब करता है। क्लीयर? जिदा मैं सिंपली गल दसा बेंजीन सारे देखा ना, बेंजीन इदा होंगे इस तरह रेजोनेंस जी मर्जी किनिया ड्रॉ हो जाती है, एसओ टू द्रॉ कर सकते हैं, दिस इज द बेंजीन। हमने जरूरी तो ना डबल बॉन्ड इतने होना, जो तुम अल्टरनेटिव पोजीशन होंगे जितों स्टार्ट कर लो इतने, यानी हर जगह ही है, तो एक रेजोनेंस हाइब्रिड जो ड्रॉ करिए तो की है कि हर जगह ही डबल बॉन्ड है। क्लीयर? बेंजीन बना लो चंगी तरह, ठीक है। सो वह क्या होता रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब कि जो बहुत सारिया तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ करनिया पैंदियां एक उन्हें एक्सप्लेन करने वास्ते, ठीक है, एक मॉलीक्यूल एक्सप्लेन करने वास्ते। हुण इह च आ जांदा डिफरेंस कि डिफरेंस की हैगा है इंडक्टिव इफेक्ट ते रेजोनेंस इफेक्ट दे विच। उहदे लई मैनूं बुक रीड करनी पैणी, वेट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस इफेक्ट, वेट फॉर अ मोमेंट। Now we will discuss the difference between inductive effect and resonance effect. Same होएगा ओदे वांगू, देखो तुहानू पता है सिगमा इलेक्ट्रॉन की डिस्पलेसमेंट होंगी है ना, एदे विच जिहड़े होंगे डिस्पलेसमेंट होंगी पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर जिहड़े होंगे, वो या तो पाई डबल बॉन्ड वाले अगे तो अगे शिफ्ट होंगे, या कोई उपर लोन पेयर पिया वो भी शिफ्ट होंगे रहिंदा। बाकी तुहानू पता है सैचुरेटेड है, तो मैं तुहानू बेंजीन दिखाया हुणी, अनसैचुरेटेड कॉन्जुगेट कॉन्जुगेटेड सिस्टम पता कि एक छड़ के जिहदा डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल ये उच्ची ऑपरेट होंगे है, ठीक है। ए अप टू थ्री कार्बन तक जाता है, तुम्हें पता फोर्थ से जाके नेगलिजिबल होंगे, ए जो तक कॉन्जुगेशन हैगी ना चलता ही रहना, जितने तक कॉन्जुगेशन हैगी रेजोनेंस जो ऑपरेट होंगे रहना। जो हमने मैं तुम बेंजीन च ही चीज दिखाई सी कि बेंजीन दे विच की सीगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम सीगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो उत्थे तक ऑपरेट होंगे ही रहना है, ठीक है। लास्ट है द इफेक्ट कॉजिज शिफ्ट ड्रिफ्ट ऑफ सिगमा इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनैगेटिव, तो तुम्हें पता मोर इलेक्ट्रोनैगेटिव वाल खिंचे जाते हैं ना, तो पार्शियल सैपरेशन हो चार्ज की हो जाती है, इस भी कंप्लीट ट्रांसफर होंगी है चार्ज की, तो इलेक्ट्रोमैरिक से है ना फुल पॉजिटिव एंड नैगेटिव चार्ज जो डिवलप हो जाते हैं। सो यही डिफरेंस है, डिफरेंस च क्वेश्चन बन सकता, कुछ भी पूछ सकता कि परमानेंट है ना, कि आयन फॉर्मेशन होंगी है, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम तक एक्सटेंड होंगे, सो इदा पूछा जा सकता। क्लीयर? ये कर लेना पहला इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्लीयर? उस तो बाद नैक्सट करा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।